लोगों को पता लगेगा, क्या साइंटिस्ट, क्या मैकेनिक, क्या कोई भी जनो, उसको पता लगेगा 2023 में हीरो पवित्र आत्मा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने अब सूरज पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। इसरो के मुताबिक सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन अगले महीने की शुरुआत में रवाना होगा और उस मिशन का नाम होगा आदित्य L1। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक 120 दिन का ये मिशन 2 सितंबर को रवाना किया जाएगा, जिसमें आदित्य L1 सूर्य से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। सूर्य की दूरी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है और इस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने कहा है भूकंप आएंगे, अकाल आएंगे, फलाना आएगा, लेकिन याद रखना कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता 2027 के बाद, भविष्यवाणी कर रहा हूं, ऐसे ऐसे बम गिरेंगे लोगों की टांगे नहीं रहेंगी, ऐसे ऐसे बम गिरेंगे, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी, कह रहे कि ऐसी ऐसी महामारी आएंगी, लोग तबाह हो जाएंगे और पैसे वाले लोग भी परमेश्वर को कहेंगे पैसा नहीं, शांति दे दे परमेश्वर। साल 2023 में एक खतरनाक तूफान आ सकता है, ऐसा तूफान जो दुनिया में पहले कभी नहीं आया था। भविष्यवाणियों के विश्लेषकों का यह मानना है कि यह सौर तूफान हो सकता है और विश्लेषकों का यह कहना है कि सूर्य की ऊर्जा धरती पर काफी तेज गति से आएगी और इसका खतरनाक असर धरती पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम धरतीवासी ऑलरेडी धरती के वातावरण को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ पौधे काट रहे हैं आए दिन, कल कारखानों से निकलने वाला उठने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर ही रहा है। वैसे भी सूर्य की बहुत ज्यादा गर्मी धरती पर पड़ने लगी है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा ग्लेशियर पिघलने कर, आप सुनेंगे न्यूज में भी, इंडिया में भी सुनेंगे, करे कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है, फॉरेन में भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आग गिरेगी और आग अचानक फैक्ट्रियां जल जाएंगी। के मुताबिक साल 2023 में एक बड़ी खगोलीय घटना घटेगी और पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन होगा, इससे वातावरण, पर्यावरण, जलवायु में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और इसका धरती पर भी गंभीर परिणाम होगा। नासा के वैज्ञानिकों ने भी हाल ही में ऐसी चेतावनी दी थी कि कुछ एस्ट्रॉइड और कुछ बड़े ग्रह धरती की कक्षा से टकरा सकते हैं, तो इन खतरों को संभावित रूप से इससे जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा हो सकता है, फॉरेन में भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आग गिरेगी और आग अचानक फैक्ट्रियां जल जाएंगी। उन्होंने ये कहा कि दूसरे ग्रह से आने वाली कोई ताकतों का धरती पर हमला होगा, यानी कि ये भी हो सकता है कि दूसरे ग्रह से कोई रेडिएशन धरती को प्रभावित कर सकता है या दूसरे ग्रह के कोई नॉन लिविंग पार्टिकल्स, यानी समझ रहे हो ना, अजैविक पदार्थों की वजह से धरती के वातावरण को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसमें अपन नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर है, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद करे के वो जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे। चिंता की बात यहाँ पर ये भी निकल कर आ रही दोस्तों कि चीन में कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है और इसके चलते हालांकि भारत सरकार भी अलर्ट हो गई और कई सारी नई गाइडलाइंस, नए प्रोटोकॉल सरकार ने जारी किए हैं। लोगों से भी अपील की है कि आप मास्क लगाएं, आने वाले त्योहारों में भी कोरोना को लेकर थोड़ा अलर्ट रहें, सावधान रहें। लेकिन अगर चीन में ये बढ़ता कोरोना का प्रकोप मैं फिर देख रहा हूं कि वायरस फैल रहे हैं अलग अलग तरीके से, कुछ डॉक्टर लोग इंजेक्शन बनाएंगे लगाने के लिए, ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन परमेश्वर का क्रोध होगा कुछ देशों में, वो कहेंगे हैजा है, वो कहेंगे कोई प्लेग है, वो कहेंगे कोई वायरस है, लेकिन वो इंजेक्शन लगाएंगे लेकिन लोग मर जाएंगे। आप सुनेंगे कि हजारों लोग इंजेक्शन के कारण मर जाएंगे, आपको न्यूज में सुनने मिलेगा कि वो डॉक्टर पर केस कर दो, कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने होंगी आने वाले फ्यूचर में कि समझ में नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर करें कि भक्ति करने वाले लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को, जहां पर भी आप जाते हैं आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप हाथ उठाएं और परमेश्वर आपके देशों में सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय फिर से कहो हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से कहता हूँ, आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया, आप सुनेंगे न्यूज में कि दो जगह पर ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगे, पटरी से उतर जाएंगी, आप इंडिया में भी सुनेंगे, फॉरेन में भी सुनेंगे और जनवरी के महीने में आप भूकंप को देखेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स कई जगह पर कई देशों में आपको सुनाई देगी कि अचानक से बड़ी सुनामी लहर आई और आसपास की छतें उड़ गई, प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, रिकॉर्ड तोड़ होगा जो बहुत भयानक होगा, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया 2023 में कि आप लोग प्रार्थना करें, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके जन जो भी यहाँ पर रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उन्हें सुरक्षा दे यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर उनके ऊपर दया करे यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष आपके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे दो देश, एक लेडीज होगी, एक जेंट्स होगा, ऐसे कोई राजा होगा, प्रधानमंत्री होगा, दो देश अपनी ताकत
आजमाएंगे, आप सुनेंगे, हाथ मिलाएंगे और वो ताकतवर हो जाएंगे, वो कोई बड़ी बड़ी खोज करेंगे। परमेश्वर देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कैसे कोई तीन देश आपस में टकराएंगे और इस बार एक जगह पर परमाणु गिर देंगे। मैंने नहीं कहा 2022 में परमाणु गिरेगा, किसी ने कहा होगा, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कि 2023 में कह रहे कि कुछ तिहाई हिस्सा प्रॉब्लम में आ जाएगा आपस में। उसके कारण मैं आपके पास एक संदेश लेके आया हूँ, और बहुत से लोग हैं जो नए लोग हैं, उनको बहुत ज़रूरी हो के सुनना चाहिए इस बात को, क्योंकि सुनने में और सुनाने में अंतर होता है। उसी प्रकार जैसे आज परमेश्वर के हर एक वचन को जो सुनता है वो आज उस वचन पर चलता भी है। मेरे भाई बहनों, जो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो प्रभु की एक हमारे लिए शांति का प्रतीक पवित्र आत्मा जो हमारे लिए रखा गया, हम उसे कैसे महसूस करें और कैसे उसके अंदर इन्वॉल्व हों और कैसे वचन पर चलें, इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर ने हमारे प्रॉफिट जी जैसे और बहुत से जो पास्टर हैं जो हमें प्रचार करते हैं, चर्चों में हमें शिक्षा देते हैं, ये सब चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही है रीज़न, वो है परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर के जन पवित्र आत्मा को जाने। तो जो भविष्यवाणियाँ होती है जो प्रॉफिट जी करते हैं वो क्यों कर पाते हैं और क्यों उस चीज़ पर हमें अमल करना चाहिए, सबसे पहले जब हम पवित्र आत्मा की संगति में चलते हैं तो हमें पवित्र आत्मा हर एक चीज़ का आभास करा देती है कि नहीं करा देती है, आपको पता है, क्योंकि जब हम मुसीबतों से निकले तब परमेश्वर ने हमें ये रूप रंग हर एक चीज़ के बारे में हमें अवगत कराया हुआ है, हमारी बुद्धि, हमारा जीवन, सब के बारे में हमें सुझा देता है। आपने महसूस किया होगा मेरे भाई बहनों कि जब हम परमेश्वर में आए तो हमारे बुरे होने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत आभास हो जाता है और हमें एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि हमें इस चीज़ पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर महसूस करा देता है। उसी प्रकार जब प्रॉफिट भविष्यवाणियाँ करते हैं, जब उनके अंदर ये गॉड ने ये चीज़ रखी है, प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा ने उनके अंदर ये आभास कराया कि जब वो किसी के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें वो चीज़ महसूस होती है, चाहे वो देश के बारे में हो, चाहे वो हमारे जीवन के बारे में हो, चाहे वो किसी भी रीति से, किसी भी सामाजिक, किसी भी प्रकार की बात क्यों ना हो, परंतु मानना हमारे भीतर है, हम मानते हैं, इसीलिए आज हमारी चीज़ों को प्रभु समझता है। हम प्रभु को मानते नहीं, प्रभु को जीवित मानते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें बोलना चाहेगी तो किसके द्वारा बोलना चाहेगी, वो हमारे लिए किसी ऐसे मनुष्य के हृदय में आके बोलेगी जो परमेश्वर को मानता है, वो हमारे लिए, वो हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे बच्चों के मुंह पे आके बोलेगी, जो पवित्र आत्मा है, जिसने पाप छोड़ दिया, जिसने पाप की संगति छोड़ दी, जिसने बुराइयाँ छोड़ दी, जिसने कुकर्म छोड़ दिया, जिसने परमेश्वर की सेवा को अपना जीवन बना लिया, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं से बात करते हैं जो परमेश्वर के नियम और अनुशासन पे चलते हैं, जो परमेश्वर के कहने पे चलते हैं। मेरे भाई बहनों, आज ये जो कोट मैंने डाला है ये एक सफ़ेद रंग का है, और आप देख सकते हो जब सफ़ेद रंग किसी भी रंग से रंगा जाता है तो वो कलर दिखता है, वैसे ही परमेश्वर को भी हर एक बुराइयों के रंग दिखते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, हमारे कुकर्म उन्हें दिखते हैं, हमारी गंदी सोच उन्हें नज़र आती है, परंतु हमें मानना है और ये जानना है कि हम पवित्रता से कैसे चलें। और प्रॉफिट जी और जो भी भविष्यवक्ता है और जो भी आज हमारे वचनों में लिखा है परमेश्वर के नाम से, उन सब पर हमें अमल करना पड़ेगा, तभी हम बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे और सुरक्षित होंगे। तो इन बातों को माने मेरे भाई बहनों, और प्रभु की महिमा में जुड़े रहें। आपको हर एक आशीष मिले, जो आप आज ख्वाब देख रहे हो पूरे हो जाए, और जो आज आप बीमारियों से लड़ रहे हो वो बीमारियां ठीक हो जाए, जिन समस्याओं के लिए आप आज प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थनाएं पूरी हो जाए, मेरा विश्वास है। और आप सब के लिए मैं दुआएं करता हूं, जो लोग आज मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआएं करता हूं कि परमेश्वर उन्हें 4 गुना आशीष दे, उनके मांगने से पहले और उनके सोचने से पहले परमेश्वर उनके लिए करे। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।
ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम प्रभु के द्वारा हमारे लिए प्रकट करें। आमीन।